बात सुन है ना यो यो बता भाई भाई आके मिलते हैं फिर ठीक है दोस्तों। ये जर्मन शेफर्ड भैया कितना खतरनाक डॉग है ये, अभी शुगर काम नहीं करके बल दिखा तो जरा कैसा होता है। उसको दीदी तगड़ी वाली लगी है। नहीं क्या भर्ती यार क्या बात है भैया भर्ती पे चलिए। जब मैंने ये दाग के बारे में पूछा था कैसे साफ होगा, हर बार जब भी आता पोपट कुछ ना कुछ होता ही है भाई। मैं आजकल ये डेली देख रहा हूँ हर किसी की गाड़ी में लगा हुआ है ये, कहीं लद्दाख वद्दाख का तो नहीं था ठीक। लेकिन दो चार दिन का है उसके बाद फ्री है हम लोग। तुम तो आज नहीं भी डालोगे, एक हफ्ता अभी बाड़ी में है। फॉर्चुनर की तरह बिल्कुल यहाँ पे स्क्रीन भी डाल रखी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में यार। तो दोस्तों दिन की शुरुआत हो चुकी है भैया सुबह के 8:30 बजे और अभी फिलहाल सुबह सुबह मैं तैयार होकर के जा रहा हूँ दोस्तों धारी पे। वहाँ पे मेरा बैंक का भी काम है और मैंने सामान भी लेकर के आना है। सामान तो वैसे पोखरा दुकान पे मिल जाता मेरे को, लेकिन वहाँ पे मेन काम जो है बैंक का है। और बाकी दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था भैया कि चाचा चाची लोग भैया जैसे कि हल्द्वानी गए हुए थे ना, तो वहाँ पे चाची की डिलीवरी थी। तो फाइनली भैया चाचा का मतलब जो छोटे वाले चाचा हैं उनका भैया लड़का हो रखा है, तो वो तो आ गए थे भैया। आज करीबन हो गए हैं 5-6 दिन 6-7 दिन। मैं आपको दिखाता हूँ छोटा सा बेबी, ये है भैया चाचा, तो इनका लड़का हो रखा है। चाचा को बहुत बहुत बधाई है भाई। तो दोस्तों ये है भैया, तो इन्हीं चाचा का मतलब भाई लड़का हो रखा है। बाकी चाचा को चौह करना भाई तुम्हारा लौट यार पकड़ा सही। तो ये है दोस्त चाची जिसको नंदी सिंह बोलता हूँ मैं। तो इसी का लड़का है भाई। क्या है भाई चाचा छोटे को दिखाते जरा दोस्तों। आपका लाइट कितने से लाइन होते हैं आपके दोस्तों, मैं दिखाता हूँ। ये अरे हल्ला करने लग गया है। ए छोटू ये देखिए दोस्तों, ये है भैया छोटा छोटा सा मेहमान जो हमारे वहाँ पे आ रखा है, गोलू बोलू सा छोटा। यस कम इधर को दिखा देता, गाइस को दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हेलो ऊपर को देख ये देखो गाइस। तो ये है भैया छोटा छोटा गोलू जो हमारे वहाँ आ रखा है। अभी करीबन 5-6 दिन हो गए हैं, पता नहीं ठीक 7 दिन हो गए। तो आज 7 दिन हो गए हैं भैया, इसको 7 दिन हो गए। हाँ 11वें दिन में इसका नाम रखेंगे, फिर उस दिन से उस नाम से पुकारेंगे इसको। अभी किसको देख रहा है ये सब चाह रही और बुला रही हो गिदर सुना। इधर को देख ऊपर को देख मेरे को देख। हेलो हेलो गाइज हेलो गाइज ऊपर को देख। हेलो गाइज आजकल भैया चाची अलग से रह रही है यहाँ पे, तो जब तक नामकरण है तब तक भैया चाची अलग रहेगी यहाँ पे। और ये देखिए अभी सो के उठ गया, स्माइल कर रहा है अब तो है? और हम चलते हैं फिर ठीक है भाई भाई आके मिलते हैं फिर ठीक है। अभी तेरा बड़ा भाई धारी जा रहा है, धारी धारी से क्या लेके आऊँगा तेरे लिए चॉकलेट। उसको दीदी को तगड़ी वाली लगी है। तो देखा आपने भैया ये छोटा सा बेबी हरखा। तो 2-3 दिन के बाद 11वें दिन पे भैया नामकरण होता है बच्चों का, तो उस दिन इसका नामकरण होगा। मैंने सुबह मोहित को भी कॉल किया था, वो घर में है भैया। बोल रहा सुबह कॉल कर रहा हूँ, बोल रहा है भाई कि भाई पढ़ाई कर रहा हूँ घर के। मैंने कहा क्या बात है यार भाई, विद्वान लोगों की कहानी भैया, पेपर उसके हैं ना, मतलब इसलिए पेपर की छुट्टी मार खा था। मैंने कहा नहीं तो धारी को चलते हैं करके साथ में, बट वो तो भैया स्टडी कर रहा है बल। अभी मैंने कहा अकेले ही निकलता हूँ। और यहाँ पे मेरे को बुरासी की चाची मिली और चाची जा रही है अभी शुगर काम लेकर के बल। दिखा तो जरा कैसा होता है ये शुगर काम, जो शुगर होता है उसका कान है, ये क्या काम आता है? जब कान में दर्द हो जाता है, शुगर कान हो जाता है, तब इसको डालते हैं। अच्छा मतलब किसी के कान में दर्द होता है तो दिखाना जरा शुगर कान हो जाता है ना। वैसे तो शुगर दोस्तों आपने देखा ही होगा, तो उन शुगर के कान होते हैं बल। ये देखिए ये इस टाइप का होता है, ये सुअर का कान, ये छोटा सा मतलब ये लकड़ी का खाड़े जैसा है। तू तो एक तरह कैल जी ली जा रही को धनवाल जी भी कान में पीड़ित रहती थी। चाची लेके गई थी अपने लौटे के लिए और अब देख करके आ रही है शिलपड़ी, वहाँ भी किसी के कान में दर्द हो गई बल। काकू का सुनी काकू ठीक छे तू तो जा पे मतलब इन्हें धार बैठी सामान मान लियो यहाँ। और भैया भाभी क्या लगी है भाई तू काम धाम? कहेगा उदय लग गया यार घाम से धूप से घाम से धूप से उदय क्या लग गया बढ़िया करके धूप से को यार धूप फसल सूखी है क्या करते हैं? अरे और जगह तो कहीं तो बिल्कुल धूप भी नहीं मिल रही है, फसल तो है सूखी, आप क्या करें बिना पानी हो नहीं रहा है तो भाई क्या होता है। आप तूने तो व्यवस्था करी रखी है, पानी तो आ ही रहा है यार। यहाँ जो देखना था जो पानी देखा था तो आज पानी नहीं भयो, वो देख लग गया यार।
ना चतुर्दशी त्यौहार होने नाम आगे कम से कम मधारी। तो दोस्तों भैया हम पहुंचे हुए थे यहाँ पे धारी पे, फाइनली पहुंच गया हूँ मैं। अभी मैंने जाना है पीछे पे बैंक पे, तो यहाँ पे अपने भाई लोगों से मैं हर हमेशा मिल लेता हूँ। अपने विक्रम भाई कैसे हो? कैसा चल रहा आजकल काम? कल तुम क्या बता रहे थे, कल कहाँ गए थे? हल्द्वानी। क्या भर्ती यार, क्या बात है भैया, भर्ती पे चले हुए विक्रम भाई अपने मस्त करके। कैसी रही? बढ़िया। आ गया मैं बैंक का काम करके, लेकिन पूरा काम नहीं हुआ। हर बार जब भी आता हूँ पोपट कुछ ना कुछ होता ही है भाई। अब KYC का पोपट हो गया वहाँ पे, तो कल भैया आएंगे, बहन लोग ही मम्मी लोग ही आएंगे, वही भैया करेंगे, उनके हाथ पे काम है। अजय भाई देखिए, अजय भाई अभी यहाँ पे आया था, वो गाड़ी सामने खड़ी कर दिखी ना तुमने, वही तो। ये देखिए अजय भाई ने सामने पर गाड़ी खड़ी करके वो दिख रही होगी आपको गाड़ी, ये देखिए। अरे वही मैं अभी कहने वाला था, अभी क्या क्या के कहीं ऑफ रोडिंग में गए थे क्या? ऑफ रोडिंग तो आ रहे हैं आजकल, लद्दाख का तो नहीं था ट्रिप? हमारे ही रोड कच्ची है ना, तो पच्ची रोड में। अरे तुम अपने घर के वहाँ से भी तो वो कच्ची लाइन, पच्ची रोड है तो उस हिसाब से कच्ची लाइन से ना ऑफ रोडिंग करके आ रखी है, लद्दाख जाके आ रखी है भाई की गाड़ी। हाँ अच्छा तुम दवाई है भैया? अच्छा अच्छा दवाई यहाँ मिल रही भाई साहब को करा आम हर ना से दवाई यार तुम्हें बचकुआ यहाँ पे अमो यहाँ वाग भेज दे। तो यहाँ पे देखिए धारी में भैया कूड़े की गाड़ी आ चुकी है। अजय अजय भाई कितने दिन से आ रही है ये? हफ्ते में ये अजय भाई भी जा रहे हैं अपना। हाँ हाँ बिल्कुल ये तो बढ़िया है, सरकार ने जो गाड़ियाँ चला दी है ना फिर ये तो। अजय भाई तुम तो आज नहीं भी डालोगे, एक हफ्ता अभी बाड़ी में है जगह, आ रही के तो डाल लेते। तो ये सेम जैसे कि भैया मतलब आपने देखा होगा हल्द्वानी साइड में होता है ना, थोड़ी की गाड़ियाँ आती हैं। अभी कुछ समय से पहाड़ों में है, सुविधा सही है, वैसे नहीं तो इतनी दुकानें कूड़ा कहीं पर फेंक देगा कहीं पर ना, क्योंकि एक दिन का कूड़ा डालेंगे, दो दिन का डालेंगे, हफ्ते का डालेंगे, महीने का डालेंगे, फिर मतलब बहुत हो जाएगा। तो ये बढ़िया कर दिया जो गवर्नमेंट ने ना, जैसे शहरों में कर रखा है वैसे ही पहाड़ों में भी कर दिया है, थोड़ी की गाड़ी आने लगी यहाँ पर भी। ये है भैया अपने अजय भाई की, देखिए मस्त करके बुलाया तो थार स्कॉर्पियो जो भी बोल सकते हैं आप इसको, सब चीज़ यही है। मैं आजकल ये डेली देख रहा हूँ, हर किसी की गाड़ी में लगा हुआ है ये यार। ये थोड़ा सा वो है ना सनसेट है। अच्छा सनलाइट के लिए? उसके लिए तब भी मैं बोलो, कल मैंने देखा मेरे सुमित ने भी लगा रखा अपनी गाड़ी, मेरे को नैनीताल दिखा पाता हूँ। कौन? सुमित नैनीताल दिखा मेरे को अंदर से कुछ इस प्रकार की मस्त। इन्होंने देखी भैया बिल्कुल एकदम यार स्कॉर्पियो बिल्कुल फॉर्चुनर की तरह, बिल्कुल यहाँ पे स्क्रीन भी डाल रखी है मस्त करके। गाइस बहुत जल्द बनाते हैं टूर, अभी तो हमें टाइम हो नहीं पा रहा है, लेकिन दो चार दिन का है, उसके बाद फ्री हैं हम लोग तो फिर जाते हैं। अजय भाई का भी काम निपटता है, बाकी मैंने भी भैया जाना है दो चार दिन के बाद रुद्रपुर जाना है मामा लोग के निमंत्रण में, जैसे कि आपको बताया था, उसके बाद फिर अजय भाई कॉल करते हैं फिर निकलेंगे यहीं पे। और ये देखिए यहाँ पे ये सनलाइट के लिए लगा रखा है, आजकल डेली बहुत लोगों की गाड़ी में देख रहा हूँ मैं, या दो चार लोगों के बंदा घूमने के लिए बढ़िया है। बढ़िया है, ये तो पहाड़ों की रानी हुई यार। आपने महादेव भी यहाँ पे विराजमान कर रखे हैं, ट्राइपॉड हो गया अपना। वैसे अब तो तुमको अजय भाई ट्राइपॉड की जरूरत है नहीं, क्योंकि आईफोन में तो भाई वैसे ही स्टेबिलिटी खतरनाक आ रखी है। मैं आ गया हूँ धारी से, वह सामान भी जितना मैंने लेना था सारा सामान ले लिया है। बैंक में गया था, आधा काम तो हो गया बैंक का भाई, और आधा काम अभी नया वहाँ जा करके पता चला कि भैया KYC हो रही है करके अकाउंटों की, तो जो कि भैया हुआ नहीं, तो यही झाड़ रहता है यार यहाँ पे भैया, ये बैंक वैंक का ये झाड़ रहता है। तभी मेरे को भाई पसंद भी अच्छा भी नहीं लगता ये बैंक वैंक को आना, कभी ये करो कभी वो करो कभी ये कागज़ कभी वो कागज़, बड़े बबाले होते हैं। मतलब इससे बढ़िया भैया एक अकाउंट खोलो और अपना ATM बनाओ भाई, ख़त्म बात, कोई चक्कर नहीं। फिर हमारे देखिए पोखरा के ताऊ जी, और ये है मनोज दा के पापा। क्यों बुद्धन लाए था तुम? अच्छा अरे वीडियो ये रोशन प्याज वगैरह गुड़न गाड़ना की ये है भैया ताऊ जी का, मतलब ये है घर। और ताऊ जी मेरी रोज़ वीडियो देखते हैं, जब भी मैं धारी जाता हूँ रोज़ बोलते हैं। अभी ताऊ जी ने मेरी सिर की कैप भी पहचान ली, तूने भटेलिया से ली करके। पहचान करनी पड़ती है। सही बात सही बात। अरे ताऊ जी तुम वीडियो देख सा डेली तो सबसे ठुल बात सर। तो क्या रखना की बरखत मूल गोभी? अच्छा फूल बंदे दुआ दुए। अच्छा बंदूक के बाद फुल गया तुम लोग दुआ दुबे दियो। हाँ
मैं चलो मुझे हुई बहुत लेट दौड़ जा लिखे नहीं क्या क्या नहीं नहीं खोला नहीं यार खोला नहीं तब ये देखिए दोस्तों ये मनोज दा लोग का कुत्ता अरे अरे भाई खतरनाक बिल्कुल ये जर्मन ये है जर्मन शेफर्ड ताऊ जी आ गई यार ताऊ जी आ गई खुद खुद जनता लगे बुखार बुखार यार ये देखिए दोस्तों ये है मनोज दा लोग का डॉग भैया जर्मन शेफर्ड कितना तगड़ा है कतो साल लग चुके दोस्तों ये जर्मन शेफर्ड भैया कितना खतरनाक डॉग है ये देखिए सबसे खतरनाक डॉग माना जाता है ये तो इन्होंने ताऊजी लोगों ने पाल रखा है ये ताकि लाख को गौतम खुल आएंगे मनोज अली ला नाम की धरता खतरे रॉकी रॉकी मैं बहुत बार आई हूँ इतनी बार यार तुम पहचान नहीं कर मुझे तो नहीं तो पहचान नहीं कर मुझे मैं बहुत बार आई हूँ हम लेते दवाई हाँ शेर जी तो तू कि मैं क्या देखा कि नाने तिरका बचका तिरका ले बचका ही नहीं मैं क्या बचको नहीं उतनी पर कहनी चाहिए कि ना दवाई ला सके भैया पूछू ने कुछ भी नहीं खाया आज तो मैंने यार वहाँ पे भाई भागते हुए घर आया मैं भूख लगी अभी खाता हूँ पहले खाना तो चलिए अभी देखते हैं क्या बना रखा है यहाँ पे यार और भाई थकान मतलब यार भाई ऐसे लग गई ना बहुत ज़्यादा थकान अब जब तक का पेट में मतलब जाता नहीं थोड़ा भात वात नहीं जाता है तब तक तो भैया कहाँ से एनर्जी आती है ना बोलने की ना ब्लॉग बनाने पहले खाना खाते हैं बढ़िया करके उसके बाद से ब्लॉग को करेंगे कंटिन्यू आएगा गैज क्योंकि ऊँच नहीं बची है बिल्कुल भी अरे यार एक पोपट और हो गया यार मैंने सोचा धार गया था ये मेरे को किसी सब्सक्राइबर ने बोला था भैया जब मैंने ये दाग के बारे में पूछा था कैसे साफ होगा नारियल तेल लगाना कोकोनट वाला नारियल जो तेल होता है उसका तेल लगाना करके मैं धार गया था उसके बावजूद भी यार मतलब मैं भैया ये नारियल तेल नहीं लाया उसके लिए और उनके काम तो हो गए जितनों के काम थे जो सामान लाना था घर का जिसकी दवाई लानी थी जिसका जो करना था हो गया अपना काम जो नहीं हुआ यार और अम्मा ने दवाई मंगा रखी वो भी ला गया हूँ आने के बाद भी मेरे को सुनना पड़ा भैया कहाँ उधर को चला गया तूने दवाई नहीं दी ये वो मैंने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया देखी नहीं अम्मा फ़ोन में बात करते हुए आया था मैं अम्मा ने भी भैया घर आ करके सुनाया आपने देखा दवाई नहीं दिया तब से तूने अब जाके दे रहा है करके क्या करें और अपना काम नहीं हुआ अब भी अपना काम नहीं हुआ फिर भी ये नारियल तेल नहीं लाया मैं नमस्कार अच्छा स्कूल नमस्कार परोट को बना लेना हो परोट को बना लेना ना मैं सुना तन्नू तुम भोजन ले इच्छा किया स्कूल में झूठ बोल रही है तन्नू झूठ बोल रही है कि जब खाने में पाओ खास परोट लिखा तुम ना परोट लीजो डाल के लगना चाहिए होता की तो यार तो दोस्तों बाकी यार आज के इस वीडियो को भी मैं यहीं पर तक का रखता हूँ तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक करना कमेंट में बताना आपको इसमें कौन सा वाला पार्ट सबसे अच्छा लगा बाकी अपने फ्रेंड एंड फैमिली में सभी को शेयर भी करना ताकि और बेल आइकन भी दबाना ताकि जो भी आगे का वीडियो आएगी तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी उसकी नोटिफिकेशन और बाकी आप सभी लोगों ने ना जो पिछला वाला ब्लॉग था जिस पे मैं नैनीताल से होते हुए हल्द्वानी गया था काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया हुआ था उसमें आप सभी लोगों ने तो दोस्तों बाकी आज के इस वीडियो को यार मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और आपको मिलता हूँ अगली एक नई वीडियो लेकर के तब तक के लिए जय हिंद जय देवभूमि जय उत्तराखंड।